हेलो क्लास 11th वाले बच्चों, दिस इज डेट 6th ऑफ जुलाई 2020। क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 2 चल रहा है, लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल्स। और लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल का लेक्चर 2 चल रहा है। पिछले वीडियो में बताया गया था कि लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल मैथ्स वालों को तो खैर पढ़ना ही है। जो लोग नॉन मैथ्स वाले लोग हैं, मैथ्स छोड़ दिए हैं, बायोलॉजी लेकर के नीट का तैयारी कर रहे हैं, कम से कम बेसिक रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल्स नॉन मैथ्स वालों को भी आना चाहिए। मैंने पिछले क्लास में लेक्चर दिया था कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन लोग मेरे साथ पर्सनली टच में आए, नहीं तो 11th क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जिसका कि पूरा लेक्चर खत्म हो गया है, उसका आपको होमवर्क, असाइनमेंट, नोट्स, क्वेश्चंस, टेस्ट, प्रीवियस ईयर मेंस एडवांस का क्वेश्चन नहीं बता जा पाएगा। बट सो रहे हैं लोग, अच्छी बात है, सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बच्चे मेरे साथ कांटेक्ट में, उन लोगों को होमवर्क एक एक करके दिया जा रहा है। पहला एक होमवर्क दिया गया है, दूसरा होमवर्क आजकल में दिया जाएगा। बैठ के बस वीडियो देखते रहिए, कोई होमवर्क नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं। लाइफ में कुछ नहीं कर पाइएगा तब बोलते रहिएगा कि जिस साल हम लोग 11th में थे तो उस साल कोरोना का इफेक्ट था, ये था, वो था, आपने साथ वालों को डॉक्टर, इंजीनियर, एनडी ऑफिसर बनते हुए देखिएगा। खैर, जो लोग कर रहे हैं लेक्चर का तो कोई फायदा है नहीं, जो लोग क्लास कर रहे हैं लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल का, लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 1 में जिन्होंने देखा है लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल्स, पहले लेक्चर 1 जरूर देख लेंगे, लेक्चर 1 में लॉगरिथम्स का मीनिंग समझा दिया गया था और 3 लॉज सिखाया गया था लॉगरिथम का। लॉग एम एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम बाई एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम पे पावर एन इज एन लॉग एम, ये तीनों लॉ पढ़ा दिया गया है प्रूफिंग के साथ। जो जिन्होंने नहीं देखा हो, पहले आप लोग लॉज ऑफ लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 1 देख लें। लेक्चर 1 देख लो भैया। लेक्चर 1 देखने के बाद लेक्चर 2 की तरफ आओगे। तो पहला 3 लॉ देख लिया हो तो चौथा लॉ को पहले देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। चौथा लॉ कहता है लॉग ए पर पावर एन, ये पूरा ही इंडेक्स में, मतलब बेस में, सॉरी, लॉग ए पर पावर एन एम इज इक्वल टू 1/n लॉग बेस ए एम। अगर नहीं समझ में आया तो यहां पर देखो, जैसे लॉग 10 पे पावर 2 पे 10,000, 10 का पावर 2 होता है 100, 100 पे पावर क्या चढ़ाएंगे कि 10,000 होगा, तो इसका आंसर होगा 2। और इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखे 1/2 लॉग 10 10,000, तो लॉग 10 पर 10,000 मतलब 4, 4 को 2 से काटे तो 2 हो गया। इसमें देखो, अगर ए 10 होता, एन अगर 2 होता और एम अगर 10,000 होता, तब आपको ये रूल समझ में आएगा, लॉग ए पर पावर एन, 10 पे पावर 2, एम 10,000 बराबर 1/n लॉग ए 10,000, लॉग ए पर पावर एन एम बराबर 1/m लॉग ए एम, वेयर एम शुड बी ग्रेटर देन 0, ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट इक्वल टू 1, एन कुछ भी हो सकता है। प्रूफिंग कैसे करेंगे? प्रूफिंग का काम वैसे है नहीं, बट अभी आप लोग फ्री माइंड से पढ़ रहे हैं तो देख लो। तो लेट लॉग ए, ये जो क्वेश्चन था, ए पर पावर एन एम, इसको एक्स मान लिया, इसका मतलब क्या हो गया, ए का पावर एन पे पावर एक्स बराबर एन, ए का पावर एन एक्स बराबर एन, टेकिंग लॉग ए बोथ साइड, लॉग ए ए एन एक्स बराबर लॉग ए एम, ए पर पावर क्या चढ़ाएंगे कि ए का पावर एन एक्स आएगा तो वो एन एक्स होगा, एन एक्स बराबर लॉग ए एम, तो एन इंटू एक्स की जगह पर जो पुट के जो माना था लॉग ए का पावर एन एम रख लिया, इज लॉग ए एम, देयरफॉर ये लॉग ए पर पावर एन एम, ये एन इधर आकर डिवाइड हो गया, दिस 1/n लॉग ए एम, लॉग 10 पे पावर 2 10,000 इज 1/2 लॉग 10 10,000। इसको ध्यान से देखना, सारे रूल्स का अब बात हो रही थी कि फिजिक्स वाले लोगों को, नॉन मैथ्स वाले लोगों को पूरा एक्सपोनेंट का लॉगरिथम्स का रूल्स का काम नहीं है, मैथ्स वालों को तो काम है ही, बट नॉन मैथ्स वाले को भी एटलीस्ट जी लॉ जरूर याद करना होगा।
अब जो अगला वाला है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अगले वाले को कहते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। तो ध्यान से देखना, लॉग बेस ए एम है, इसको हम लोग कोई भी और लॉग बेस बी एम डिवाइडेड लॉग बेस बी ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेस चेंज कभी आपको लॉग में बेस चेंज करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में लॉग में बेस कुछ हो और आपको उस क्वेश्चन में कुछ और लॉग का बेस कुछ और चाहिए, तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉग बेस ए एम का अगर वैल्यू निकालना है और आपको उस क्वेश्चन में लॉग बेस ए पसंद नहीं आ रहा है, तो कोई दूसरा लॉग बी बेस बी एम डिवाइडेड बाई लॉग बेस जो बी है वही यहां पर होना चाहिए, ए से डिवाइड करेंगे तो इसी का वैल्यू निकल जाएगा। ये सब सिंपल अलजेब्रा है, एम जीरो से बड़ा होना चाहिए, ए बी भी क्योंकि बेस का है तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ए बी का वैल्यू जी वन नहीं होना चाहिए। अब प्रूफिंग देखो, ये जो है लॉग ए एम को एक्स मान लिया, इसका मतलब ए का पावर एक्स बराबर एम। लॉग बेस बी एम को वाई मान लिया, इसका मतलब बी का पावर वाई बराबर एम। लॉग बी बेस बी, दिस इज बी पर पावर जेड बराबर ए। ठीक है, अभी क्वेश्चन वन और टू को देखो, क्वेश्चन वन और टू में आर एच एस सेम है, एम एम सेम है, तो एल एच एस सेम हो जाएगा। तो एल एच एस हो गया ए का पावर एक्स बराबर बी का पावर वाई। अब a का पावर x की जगह पर ये देखो, मतलब a की जगह पर b का पावर z का इस्तेमाल कर लिया, a की जगह पर b का पावर z, a की जगह पर b का पावर z, a की जगह पर b का पावर z, पर पावर x था तो पावर x बराबर b वर्ग, इसका मतलब b पर पावर zx बराबर b पर पावर y। therefore हम लोग सीधा कह सकते हैं कि zx बराबर y, मतलब हम लोग कह सकते हैं x बराबर y by z। और x भैया किसको माना था, x was log base am, y क्या माना था log base bm divided by z क्या माना था log base ba। this is known as base changing formula। पूरा base ही अगर change कर देना हो तो हम लोगों को base changing formula का काम पड़ेगा। अब ये लिखते लिखते सुनोगे, पहला क्लास में बताया गया था कि आपका जो पूरा मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो दो तरह के लॉगरिथम्स पर बेस्ड है, एक लॉग बेस ई पर और एक लॉग बेस टेन पर। तो पूरा मैथ पूरा फिजिक्स पूरा केमिस्ट्री कभी लॉग बेस ई पर मिलेगा जिसको कि एलएन कहते हैं, या फिर लॉग बेस टेन पर मिलेगा। और कई बार आपको बेस चेंज करने का जरूरत पड़ता है, तो ये जो बेस चेंजिंग फॉर्मूला है ई से टेन पर कभी कन्वर्ट कर देंगे बेस, कभी टेन से ई पर। मैथ्स वाला को तो पूरा ही एक अलग सेक्शन है, क्वेश्चन उत्तर मेंस एडवांस अलग से होगा एनडीए का, बट फिजिक्स वाले को भी केमिस्ट्री में भी कम से कम जो बेसिक लॉज पढ़ाया जा रहा है लॉग का, वो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो लिखते भी रहोगे बेस चेंजिंग फॉर्मूला, लॉग ए एम बराबर लॉग बी एम डिवाइडेड बाई लॉग बी ए। तो अब आगे देखो, ये जो फिफ्थ नंबर वाला लेक्चर है, फिफ्थ नंबर वाला लॉग, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। लॉग बेस ए एम बराबर लॉग बेस बी एम बाई लॉग बेस बी एल अभी डिराइव करवाए गए। इसी में अगर बी को अगर ई के बराबर मान लें, बी को अगर ई के बराबर मान लें, तो ये बी जो है वो लॉग ई एम हो जाएगा, बी को ई के बराबर तो लॉग ई हो जाएगा। और सिखाया गया था लॉग ई फलाना को ln में लिखते हैं, तो लॉग बेस ए एम को ln m बाई ln a लिख सकते हैं। इसको याद रखना होगा, सबका काम पड़ जाएगा, मैथ्स वालों को सबका काम पड़ जाएगा, नंबर्स वालों को एटलीस्ट लॉज याद करना है। तो लॉग बेस ए एम इज ln m बाई ln a, ये वाला तो और इंपॉर्टेंट है। अगर इसी में मैंने इस फॉर्मूला में b के जगह पर अगर m पुट कर दें, b के जगह पर m, तो ये log a b बराबर m के जगह पर b, तो log b b, और ये log b a, तो log b b, b पर का पावर क्या प्लेस करेगी, b आ जाएगा तो 1, तो दिस इज 1,
सो लॉग ए बी बराबर 1 बाई लॉग बी ए, रेसिप्रोकल फॉर्मूला है बच्चों, रेसिप्रोकल फॉर्मूला है लॉग 1000 बराबर 1 बाई लॉग बेस 100, 10 हम लोग लिख सकते हैं और तुम मिला भी सकते हो। लॉग 1000 कितना होगा भैया 2, 100 पर 10 कितना होगा 1 बाई 2, 2 बराबर, इस फॉर्मूला का मतलब यही है लॉग बेस 1000 बराबर 1 बाई लॉग बेस 100, 10, रेसिप्रोकल फॉर्मूला इसी वाले फिफ्थ वाले से ही बन जाता है, ध्यान से इसको लिख करके रख लो। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं भैया, इसी को कंटिन्यू करते हैं, फिर से देखो लॉग बेस ए एम बराबर लॉग बेस चेंज कर दिया बी एम लॉग बेस बी ए, ठीक है। अब यहां पर इसी को अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में करें लॉग बेस ई एक्स और यहां पर लॉग 10 मिल जाएगा, लॉग 10x बाय लॉग बेस 10, तो दिस इज लॉग ex बराबर लॉग 10x बाय लॉग 10, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू लेक्चर 1 में सिखाया गया था इज एप्रोक्सीमेटली 2.7142। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 10 पर क्या पावर चढ़ाएंगे कि 2.7142 आएगा, तो ये कैलकुलेटेड है कि ये जो 10 पर क्या पावर चढ़ाएंगे कि 2.7142 आएगा वो लगभग 0.4342 होता है, ठीक है। तो दिस इज लॉग ई एक्स बराबर लॉग बेस 10x बाय 0.4342। अब 1 को डिवाइड करेंगे 0.4342 से तो लगभग 2.303 आएगा, 1 को 0.4342 से डिवाइड करेंगे, 1 को 0.4342 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 2.3026 आएगा, इसी को हम लोग 2.303 कहते हैं लॉग बेस 10x। और इसी फॉर्मूला का यही बात हो रही थी, इसी फॉर्मूला का मैथ्स में, मैथ्स से ज्यादा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में काम पड़ेगा, ln x log ex बराबर 2.303 log base 10x। हर बार हम लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री में log e log 10 log base e log base 10 log base e log base 10 में बार बार झमेला होगा। अभी मैं समझाऊंगा कि कहां झमेला होगा, तुमको समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ तुम्हारा पढ़ाई, बट बहुत जल्दी जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में बहुत जल्दी पढ़ोगे, तो तुम देखोगे कि हर चौथा पांचवा आठवां टॉपिक में आपको इसका काम पड़ेगा, ln x बराबर 2.303 log बेस 10x। जैसे ln 2 का वैल्यू जो होगा वो log 10 2 का वैल्यू होगा उसमें 2.3026 मल्टीप्लाई करने पर आएगा, उस तरफ ln 10 का जो वैल्यू है वो 2.303 log 10 10 जो कि 1 ही है। ln 5 निकालना पड़ेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो 2.303 log 10 5 पर आएगा, ठीक है। इस तरह से ln और log 10, ln और log 10, ln log e और log 10 के बीच में बेस कन्वर्जन करने के लिए इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो आते रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी लगातार आएगा जी। अभी मैं समझाऊंगा कि कहां पर आएगा, तुमको समझ में भी नहीं आएगा, बट याद रखना बहुत जल्दी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको इस बेस चेंजिंग फॉर्मूला का काम पड़ेगा। सो दीज आर द बेसिक लॉज ऑफ लॉगरिथम। मैथ वालों को तो अभी लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल में बहुत कुछ पढ़ना है, नॉन मैथ्स वाले लोगों को ये 5 प्लस जो इसी में नोट बना करके 3 और लिखवाएगा, नॉन मैथ्स वालों को लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल का इतना फॉर्मूला, इतना लॉज आना चाहिए। मैथ्स वालों को तो अभी इसके प्लेलिस्ट में जितना लेक्चर चलेगा सब आना चाहिए, ठीक है। तो लॉज पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। इफ ए बराबर लॉग 2, बी बराबर लॉग 3, सी बराबर लॉग 7 एंड 6 का पावर x बराबर 7 का पावर x प्लस 4, देन x बराबर कितना। वीडियो को पॉज करके कुछ से भी बना सकते हो। तो 6 का पावर x बराबर 7 का पावर x प्लस 4, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग ई है या लॉग टेन है नहीं लिखा हुआ है, तो बस अपना लॉग लेके लिख दो, तो एक्स
log 6 बराबर x प्लस 4 log 7। अब ये log के रूप से अलग हो गया अलजेब्रा के रूप में, तो x log 6 बराबर x log 7 प्लस 4 log 7, तो दिस इज x log 6 माइनस log 7, इधर आके माइनस हो गया अलजेब्रा रूप, दिस इज 4 log 7 है, तो x बराबर 4 log 7 by log 6 minus log 7, therefore x बराबर 4 log 7, log 6 को log 2 into 3 लिख लेते हैं, minus log 7, this is x बराबर 4 log 7, log a is log a plus log b minus log 7, therefore x बराबर 4 log 7 was c is 4c, log 2 was a, log 3 was b and log 7 was c, so this is 4c by a plus b minus c, this is 4c by a plus b minus c, this is 4c by a plus b minus c, 4c by a plus b माइनस सी। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करो अपने से, इफ 5 का पावर एक्स बराबर 0.5 का पावर वाई बराबर 1000, देन 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई बराबर कितना, वीडियो को पॉज करके खुद से भी बना सकते हो। ऑप्शन नंबर 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4। सॉल्यूशन, तो 5 का पावर x बराबर 1000 है, तो टेकिंग log 5 बोथ साइड्स, इतना नहीं भी लिखने पर हो जाएगा, टेकिंग log 5 बोथ साइड्स, तो log 5 5 का पावर x बराबर log 5 1000, 5 पर पावर क्या चलाएंगे कि 5 पर पावर x आएगा, है ना, x बराबर log 5 1000, इस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, x बराबर हो गया log 5 1000, उसी तरह से 0.5 का पावर y भी 1000 है, therefore y बराबर कितना रहेगा, दिस इज log 0.5 1000, सो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से नोट करो, क्वेश्चन को ठीक से नोट करो, ठीक है, तो अब पूछ रहा है 1 by x कितना होगा, 1 by x is 1 by log 5 1000, अब यही पर रेसिप्रोकल फॉर्मूला सिखाया गया था, रेसिप्रोकल फॉर्मूला सिखाया गया था बच्चों, रेसिप्रोकल फॉर्मूला सिखाया गया था, रेसिप्रोकल फॉर्मूला जस्ट अभी बताया गया है, दिस कैन बी रिटन एज log 1005, उसी तरह से 1 by y बराबर 1 by log 0.5 1000, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1000 0.5, अभी जस्ट रेसिप्रोकल फॉर्मूला बताया गया था, रेसिप्रोकल फॉर्मूला का नाम है, अभी रेसिप्रोकल फॉर्मूला सिखाया गया था, उसको देख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन बाय एक्स माइनस वन बाय वाई, this is log 1005 minus log 1000 0.5, this is log a minus log b, log a minus log b, this is log a by b,
सो दिस इज लॉग 1000 10 है ना। तो 1000 पर क्या पावर चढ़ाएंगे कि 10 आ जाएगा, 1000 पर क्या पावर चढ़ाएंगे कि 10 आ जाएगा, 1000 पर क्या पावर चढ़ाएंगे कि 10 आ जाएगा, इसी को तो लॉगरिथम कहते हैं। तो याद ही आप लोगों को है ना, 1000 पर क्या पावर चढ़ाओगे कि 10 आ जाएगा बताओ। तो 1000 10 का पावर 3 m बराबर 10 का पावर 1, तो 3m बराबर 1, तो m बराबर 1/3, मतलब दिस कम्स आउट टू बी 1/3, ये जो है वो 1/3 आ गया। ये लॉगरिथम्स का बेसिक्स है, ये लॉगरिथम्स का बेसिक है। तो आज की वीडियो यही तक रहेगी। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा कर रखो। जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है बच्चों, बाकी लोग तो अब सो रहे हैं, सोइए कोई बात नहीं, लोग एडमिशन लिए हुए लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और आगे लगातार आप लोग पढ़ाई बढ़ते रहे, तो तेजी से अपना अपना नोट्स कंप्लीट करिए, मेरे साथ बिल्कुल जुड़े हुए रहिए और हम लोग बहुत तेजी से अपना सिलेबस जो है वो आगे बढ़ाते रहेंगे। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी और नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। सारा नोट्स रेडी करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। थैंक यू।